lesson its country for me. ये मुल्क मेरे लिए है और इस लेसन के आप पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो आपको पेपर में इसी तरह से लिखा हुआ आएगा कि ए बी सी एंड डी में से जो करेक्ट आंसर है उसको आप चूज़ करें और बबल शीट जो आपको मिलेगी उसको फिल करें राइट आंसर से. तो अब हम देखते हैं हमारे पास नंबर वन MCQs क्या है. जॉल वेंट टू द बार्न डैश टाइम्स अ डे एंड ही न्यू ऑल अबाउट इट. जॉल जो है वो कितनी दफ़ा बाड़े में जाता था और उसके बारे में सब कुछ जानता था. तो राइट आंसर जो है उसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है ताकि आप लोग जब इसको याद करें तो आपको आसानी हो और आपको पता हो कि कौन सा आंसर करेक्ट है. तो राइट आंसर है 10 कि जॉल जो है वो तकरीबन 10 दफ़ा बाड़े में एक दिन में जाता था और उसे बाड़े के बारे में हर चीज़ पता थी. नेक्स्ट MCQs है हमारे पास द फॉर्म वॉज बॉट इन डैश कि ये जो खेत हैं हॉलैंड के वो कब खरीदे गए थे. तो राइट आंसर है 1860 में ये खेत खरीदे गए थे. नंबर थ्री है हमारे पास MCQs जेम्स वॉज एंड डैश इमिग्रेंट कि जेम्स जो कि जॉल का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे तो वो कहाँ से आए थे कहाँ के इमिग्रेंट थे तो वो आयरिश इमिग्रेंट थे. नंबर फोर MCQs है हमारे पास जॉल इज़ डैश ईयर्स ओल्ड. जॉल जिस बच्चे की बार बार इस लेसन में बात हो रही है तो वो कितने साल का है उसकी एज क्या है 13. राइट आंसर है 13 कि जॉल इज़ 13 ईयर्स ओल्ड. नेक्स्ट MCQs है हमारे पास MCQs नंबर 5 हॉलैंड्स हैव बीन फार्मिंग द बार्न सिंस डैश जेनरेशंस इन ओवर 120 ईयर्स कि हॉलैंड जो हैं वो कब से इन खेतों पर हल चला रहे थे तकरीबन 5 जेनरेशन. राइट आंसर है 5 के 5 नस्लों से और तकरीबन 120 सालों से वो इस ज़मीन पर खेती बाड़ी कर रहे थे. नंबर 6 MCQs है हमारे पास जॉल हॉलैंड हैज़ लिव्ड ऑन दिस डैश एकर फार्म सिंस ही वाज बोर्न कि वो उनकी ज़मीन की कितने एकड़ पर मबनी थी. तो ये सवाल भी आपसे वो MCQs में पूछ सकते हैं. तो उनका फार्म जो था वो 245 एकड़ पर था के 245 एकड़ पर के ज़मीन के रकबे पर उनकी खेत मुश्तमिल थे. तो वो कहते हैं कि जॉल कब से यहाँ रह रहा था अपनी ज़मीन पर 245 एकड़ रकबे की ज़मीन पर रह रहा था जब से वो पैदा हुआ था. नंबर 7 है हमारे पास जॉल इज़ टीनएजर बट ही डज द वर्क ऑफ एन डैश कि जॉल जो है वो एक टीनएजर है लेकिन वो काम कैसे करता है. वो काम एक राइट आंसर है अडल्ट लेकिन वो एक नौजवान की तरह काम करता है हालांकि अभी वो सिर्फ 13 साल का है. नंबर 8 है हमारे पास टू रन अ फार्म लाइक दिस अ फार्मर हैज़ टू हैव डैश के इस तरह का इतना बड़ा फार्म चलाने के लिए किसानों को क्या होना चाहिए टू हैव मैनी स्किल्स. राइट आंसर है मैनी स्किल्स के बहुत सी महारतें होनी चाहिए. नंबर 9 MCQs है हमारे पास नॉलेज सीम्स टू बी कॉन्स्टेंटली डैश कि इल्म जो है वो मुसलसल क्या नज़र आता था. राइट आंसर है सीपिंग यानी कि टपकता हुआ महसूस होता था जॉल के ऊपर जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा भी है. और ये सारे MCQs आपके लेसन में से ही बनाए गए हैं और मोस्टली लेसन में से ही आते हैं. नंबर 10 है हमारे पास इफ़ आई हैड जस्ट वन वर्ड टू डिस्क्राइब जॉल इट वुड बी डैश के अगर मेरे पास एक लफ्ज़ हो जिसमें मैं जॉल को बयान करूं तो ये क्या होगा. राइट आंसर है एंथुसियाज्म के पुरजोश. नंबर 11 है हमारे पास जॉल्स क्लासमेट्स आर 19 वेयर इज़ हाफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर डैश के जॉल्स के जो क्लासमेट्स हैं क्लास फेलो हैं उसके उनकी तादाद 19 थी और वो आधे स्टूडेंट आधे तालिब इल्म स्कूल के उसमें से क्या थे. राइट आंसर है फार्मर्स यानी कि आधे तालिब इल्म किसान थे. नंबर 12 MCQs है हमारे पास जॉल पुल्ड एज एंड बीज इन द एग्जामिनेशन एंड नेशनल टेस्टिंग ही स्कोर्ड 100 ओवर डैश मार्क्स के जब उसके या तो वो स्कूल के इम्तिहानों में ए या बी ग्रेड लेता था तो उसके तकरीबन कितने नंबर आते थे 100 में से कितने फ़ीसद आते थे. राइट आंसर है 99% कि 99% वो जो कौमी सतह पर टेस्ट का मुकाबला होता था या इम्तिहान होते थे उसमें या तो वो ए ग्रेड लेता था या बी लेता था और नंबर तकरीबन 100 में से 99% लेता था. नंबर 13 MCQs है हमारे पास अक
According to the author, each child's labor is dash. के हर बच्चे की मेहनत जो है वो क्या है? Is essential. Right answer. Essential यानी के लाजमी या जरूरी होती है. Number 14 MCQs है हमारे पास. Most of the earning of Holland's came from dash. के जो हॉलैंड के जो हैं खेत हैं या हॉलैंड्स की जो फैमिली है उनकी बहुत ज़्यादा जो अर्निंग है या उनकी कमाई कहाँ से ज़्यादा आती है? तो राइट आंसर है सेलिंग एनिमल्स यानी कि जानवरों को बेचकर बेचने से उनकी ज़्यादा वो पैसे कमाते हैं. लास्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास. जॉल्स फादर्स वाज मैनेजिंग अ फार्म वर्थ अबाउट डैश डॉलर. कि जॉल के फादर जो इतना बड़ा फार्म या खेत चला रहे थे उसकी खेती कीमत क्या थी? तो राइट आंसर है 1 बिलियन के वर्थ अबाउट 1 मिलियन डॉलर्स. तो ये थे फ्रेंड्स इस लेसन के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और इसी तरह से आपने पेपर में याद करने हैं ताकि आपको पेपर करते हुए आसानी हो.